मेरा नाम अब्दुल्ला अत्तारी है और मैंने सन 2004 में जामियतुल मदीना में दाखिला लिया और 2012 में मैं फारिगुत तहसील हुआ। उसके बाद दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में बहैसियत मुदर्रिस खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए। मेरा नाम ग़ुलाम इलियास अत्तारी अलमदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सन 2012 में जामियातुल मदीना फैज़ानी मदीना बाबुल मदीना कराची से फरागत हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में बहैसियत रुकन मजलिस खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जामियातुल मदीना में पढ़ने के बाद ये जहन ज़रूर बन जाता है, लाजमी बन जाता है, मकसद बन जाता है, ये बात दिलो दिमाग में रासिख हो जाती है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इसी मुकद्दस जज्बे के तहत जामियातुल मदीना ऑनलाइन का भी आगाज़ कर दिया गया है कि हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है और मैंने जामियातुल मदीना में 2003 में दाखिला लिया। इल्म दीन का सिलसिला जारी रहा और 2010 के अंदर फारिगुत तहसील हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में एज़ आ मकतब नाज़िम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मीम के ऊपर गुन्ना नहीं करना है। मिन हादिन माशाल्लाह, तो ठीक है इंशाल्लाह। ये आप मिन आजलिन और मिन हादिन ये दो लफ्ज़ आप याद करके आइएगा इंशाल्लाह। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मदनी चैनल देखते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम सैयद बिलाल रज़ा तारी है और मैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आई एम उबैदुर रहमान अत्तारी। आई गॉट एडमिशन इन जामियतुल मदीना इन 2005 एंड कम्प्लीटेड इट इन 2012 एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दरसे निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह आई कम्प्लीटेड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इन द सेम जामिया एंड देन द दावत इस्लामी गेव मी चांस फॉर डूइंग वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी इन मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। So since 2012, alhamdulillah, I'm teaching in Madrasatul Madina online to those students who can't speak in Urdu. Alhamdulillah, I'm teaching them Quranic education and essential fundamental teachings of Islam.